हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइंस के 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फुल रिवीजन और देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। तो आज हम जो जो कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं वो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट रेफर्स टू नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। अगर तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली हमको रिप्रेजेंट करना हो तो वी कैन राइट इट एज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेयर आई इज करंट, क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम। प्लीज नोट है कि करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर एंड चार्ज की होती है कूलम्स। तो अगर तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेक श्योर कि आप यूनिट्स का भी ध्यान रखें। ऑल्सो नोट कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टेकन एज डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि कोई भी एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स यूज हो सकते हैं। ये सभी कॉम्पोनेंट्स और इनके सिंबल्स आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने देखा कि अगर तो हमको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो चार्जेस को फ्लो होना पड़ेगा, लेकिन चार्जेस तभी मूव करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में जब उन दो पॉइंट्स में थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसी चीज़ को अब हम देखते हैं कि हम डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में EPD लिखा हुआ है, दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूजुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि चार्जेस मूव करें, हम लोग एक बैटरी का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं आज वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे वी है पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द टोटल चार्ज। अब यहाँ पे हम SI यूनिट्स देख लेते हैं। ये इस इक्वेशन में V इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, W विच इज वर्क डन इज इन जूल्स एंड Q चार्ज इज इन कूलम्स। ऑल्सो प्लीज नोट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक अपैरेटस है और इसको हम लोग हमेशा जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उनमें पैरेलल में लगाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सर्किट इफ यू हैव करंट फ्लोइंग थ्रू इट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, प्रोवाइडेड दैट यू कीप टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपने किसी सर्किट के लिए टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस सेम रखी है तो उस केस में जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली आज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगाना होगा। वो लगा कर क्या इक्वेशन विल लुक समथिंग लाइक V इज इक्वल्स टू आर आई। यहाँ पर R हमारा होता है रेजिस्टेंस, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है हमारा सब्सटेंस जो है, हर एक सब्सटेंस एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कोई ना कोई रेजिस्टेंस देता है। वो जो क्वांटिटी है उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, OHM, और इसको इस टाइप के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया क्या होता है। अब देखते हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। मतलब कि अगर तो लेंथ बढ़ेगी आपकी किसी भी सब्सटेंस की तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। सेकेंडली रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर मटेरियल या फिर सब्सटेंस। तो अगर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। प्लीज नोट है कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन।
तो हम इन दोनों को अगर तो कंबाइन कर दें और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके कांस्टेंट लगा दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस रो इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर और ये डिपेंड करता है सिर्फ कि हमारे पास सब्सटेंस क्या है, मतलब कि उसका मटेरियल कैसा है उसके नेचर पे। प्लीज़ नोट है कि जो अच्छे कंडक्टर्स हैं, मतलब कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि मेटल्स एंड कुछ अलॉयस, उनकी रेजिस्टिविटी या फिर रो की वैल्यू काफ़ी कम होती है कंपेयर टू इंसुलेटर्स या फिर बैड कंडक्टर्स। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब पॉसिबल हो सकता है कि हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स प्रेजेंट हैं और ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग तरीक़ों से कनेक्टेड हैं। तो अगर तो रेजिस्टर्स अलग अलग तरीक़ों से कनेक्टेड होते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो अब हम वही देखेंगे यहाँ पे दो तरीके उनको कनेक्ट करने की, सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज क्या होता है। अगर तो हम हमारे दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को एंड टू एंड लगा दें हमारे सर्किट में तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी ये दिखता कैसा है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसा दिखता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस एवरी रेजिस्टर वो अलग हो सकता है। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम, मतलब कि वी कैन से दैट टोटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रेजिस्टर्स वी हैव। अब हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। अब हम दोनों तरफ से I को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो वी गेट R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने देख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक 2 ओम का और दूसरा भी 2 ओम का, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा 2+2 इज इक्वल्स टू 4 ओम्स। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर तो हम हमारे रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं कि वो सर्किट में एग्जैक्टली दो पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दिखता कैसा है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है हम लोग देख लेते हैं। तो अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमने सारे रेजिस्टर्स दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में लगाए हैं तो उन सभी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन उनमें से अलग अलग करंट पास करेगा। तो टोटल करंट जो होगा सर्किट में दैट विल बी सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। देयरफॉर वी कैन से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी रेजिस्टर्स यू हैव। तो अब हम I को लिख सकते हैं एज V अपॉन R और फिर V को दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे जस्ट लाइक वी डिड इन सीरीज। देयरफॉर वी गेट दैट आवर टोटल रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर तो कोई भी सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत हीट तो डिसिपेट होती ही है। तो अब कितनी हीट डिसिपेट हो रही है उसको हम मेजर करते हैं यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एग्जैक्टली क्या कहता है वो हम अभी देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डन एज एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, जहाँ पे एच इज द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, या फिर हम इसको और किस तरीके से बोल सकते हैं एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो अब जो हीट जनरेट हो रही है किसी भी सर्किट में इट कैन बी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। हार्मफुल कैसे हो सकती है, वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो हीट की तरह वेस्ट हो रही है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं,
या फिर ये यूजफुल भी हो सकती है किसी किसी सिचुएशन में. तो एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. Now let us study about electric power. Electric power is nothing but the rate of consumption of energy. Mathematically, हम लोग इसको लिख सकते हैं as P is equals to VI या फिर is equals to I square R या फिर V square by R. Please note here कि अगर तो आपको numerical दिया गया है जिसमें आपको electric power find out करनी है तो आप इनमें से कोई भी एक term या फिर equation use कर सकते हैं depending on आपको कौन कौन सी values दी गई हैं. Power की SI unit होती है watt. लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह में जो यूज होती है दैट इज किलोवाट आर. एंड 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ जूल्स. ये कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है सो प्लीज रिमेम्बर इट. अब हम लोग इस चैप्टर की वेटेज को समझ लेते हैं. इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर से 1, 2, 3 एज वेल एज 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर तो हम बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है तो सभी कंसेप्ट्स को आप एक बार तो पढ़ ही लें और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करें. तो जो जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं आप उन सबको ज़रूर याद करके जाएं क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको उन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके सॉल्व करना है. तो आप लोगों के लिए एक सैम्पल न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं. आई होप आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है. तो हम लोगों को क्या गिवन है कि हमारे पास 2 लैंप्स हैं अलग अलग पावर के 60 और 40 के और दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में थ्रू 220 वोल्ट सप्लाई. तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया है. इसके बाद हम लोगों को निकालना है वॉट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई. तो ये कैसे निकालेंगे. हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग करंट फ्लो करता है थ्रू ईच ऑफ द आर्म्स. तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे आर फॉर्मूला एज पी इज इक्वल्स टू वी आई. तो ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमको पार गिवन है क्वेश्चन में और वी गिवन है 220. तो हम लोग आई निकाल सकते हैं एज पी अपॉन वी. तो सबसे पहले पहली वाली आर्म के लिए हम लोग निकालेंगे आई वन विच विल बी उसकी उस आर्म की पावर विच इज 60 अपॉन वी और ये आ जाएगा 3/11 एम्पियर्स. फिर हम इस सेकेंड आर्म के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. तो I2 विल बी 40/220 विच विल बी 2/11 एम्पियर्स. तो अब टोटल करंट ड्रॉन के लिए सिंपली हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो अगर तो आप लोग सारी कैलकुलेशन सही करें दिस वुड कम आउट टू बी 5/11 और 0.45 एम्पियर्स. तो अब नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है वॉट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर. तो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इन टू टाइम. सो द टोटल पावर दैट वी हैव विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर. तो इसको हम लिख सकते हैं एज 100 वॉट आवर या फिर वी कैन कन्वर्ट इट इन टू किलो वॉट आर. तो हमारा आंसर आएगा 0.1 किलो वॉट आर. प्लीज नोट कि अगर तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप आंसर्स के बाद करेक्ट यूनिट्स जरूर मैंशन करें क्योंकि इसके भी मार्क्स कट सकते हैं. तो आई होप अब आप लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. इसके अलावा प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले सर्किट डायग्राम्स बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें. तो अब प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं. अगर तो आपने किसी पहले के चैप्टर की रिवीजन वीडियो मिस कर दी है तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं. फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग. हेलो स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर बोर्ड एग्जाम. क्लिक हियर इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस इन दिस सीरीज. ऑल्सो वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स. So please subscribe and don't forget to click on the bell icon below to receive a notification each time we post a video every week. Come join our learning community.